The graph of y equals f double sx is given for a function f, then the number of point of inflection for y equals fx is. So हमें इस function का क्या point of inflection निकालने का है. So हमें क्या दे रखा है, पहले तो हम देखते हैं point of inflection क्या हो रखा है. किसी भी point पे अगर f double dash x जो है अगर वो zero आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं that point is a point of inflection. एक और condition में होती है क्या कि जो जिस point पे point of inflection आ रहा है उस point पे जो है f double dash x क्या होना चाहिए, ये साइन चेंज करना चाहिए, दैट इज साइन चेंजिंग, ये मस्ट है. अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉनकेविटी या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है. सो हमने क्या चेक किया, सो अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरे पास एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू सी और एक्स इक्वल्स ई, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है एफ डबल डैश एक्स जो है वो जीरो आ रहा है. अगर मैं एक्स इक्वल्स टू ए पे देखूँ, सो एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर मैं देखूँ तो एक्स इक्वल्स टू ए पे तो क्या है एफ डबल डैश जो है एफ डबल डैश ऑफ ए ये जीरो है, और एक्स टेंड अगर देखूँ तो मैं एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस देखूँ तो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है. बेसिकली ये अगर देखूँ तो मैं पॉजिटिव आ रहा है, और एफ डबल डैश ए माइनस इसको अगर देखूँ तो ये क्या हो रहा है बेसिकली नेगेटिव आ रहा है. सो ये लेस देन जीरो. तो अगर मैं देखूँ तो एक्स इक्वल्स टू ए जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बिकॉज चेंजिंग ऑफ साइन भी हो रहा है और एफ डबल डैश जीरो भी हो रहा है. एक्स इक्वल्स टू अगर नेक्स्ट टाइम देखा हमने सी पे तो एफ डबल डैश जो सी है वो तो जीरो आ रहा है, और एफ डबल डैश जो है सी प्लस अगर सी प्लस मतलब सी से थोड़ा सा आगे देखो तो ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, और एफ डबल डैश ऑफ सी माइनस इसको देखो तो ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव. सो यहाँ पे कोई साइन जो है चेंज इन साइन नहीं है. सो ये अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, तो सी हमारा जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा. अगला देखते हैं एक्स इक्वल्स टू ई पे. सो ई पे अगर मैं देखूँ तो एफ डबल डैश जो ई है हमारा ये तो जीरो आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ ई प्लस अगर मैं ई प्लस देखूँ तो ये क्या आ रहा है बेसिकली नेगेटिव, और एफ डबल डैश ऑफ ई माइनस अगर मैं ई माइनस देखूँ तो ई माइनस क्या आ रहा है वो पॉजिटिव है. सो यहाँ भी क्या हो रहा है चेंज इन साइन है. सो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कौन कौन से हैं, एक तो ए हो जाएगा और दूसरा क्या आएगा ई. सो अपने पास क्या आएगा सिर्फ दो ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. सो अपना आंसर आएगा सी. थैंक यू.